राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूं, उसको तकसीम करें सबने बराबर। देखिए जी, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल पर्सनैलिटी जो एक टीम वर्क इज अ रियल टीम मैन। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए मैं सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को, उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़। अगर नहीं जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा, ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है, ये होती है बात। इसके लिए दिलगुर्दा चाहिए होता है, इसके लिए आप अपना रूल सेट करते हैं, उसके लिए आप अपना करैक्टर बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये किया तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है मैं बाकी को भी इतने देता हूं आप प्लीज़ रखिए। इससे पहले 2018 में इन्होंने ऐसा किया तो बीसीसीआई ने कहा कि इनके सेंटीमेंट्स की हम रिस्पेक्ट देते हैं तो इट्स ओके जितना वो लेना चाहिए। और 2.5 करोड़ फ्री में उनको रिवॉर्ड मिला था, 5 करोड़ जो दिया जाता है वो रिवॉर्ड था उनकी जीत की खुशी में, कोई ऐसा नहीं था कि वो ऐसी बात थी, उनको इनाम मिल रहा था। उन्होंने कहा कि जो मेरे विक्रम है या दिलीप है बाकी जो मेरे साथ कोचिंग स्टाफ है उनको 2.5 मिला तो मैं भी 2.5 लूंगा, ये एक गेस्टर है। और दूसरी तरफ जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लीगों के लिए उन्होंने पाकिस्तान को आप कह लो जो प्रायोरिटी नहीं दी, इंक्लूडिंग कप्तान, ये नहीं कि बाकी प्लेयर आपको कोई 2-4 प्लेयर, नहीं कप्तान ने भी यही किया। मैं आपको बताऊं कि यहां पर कोई इस तरह का डिसीजन करे हमारे यहां हमने कभी सुना नहीं और मेरा ख्याल है ऐसे सुनना भी नहीं। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी तो आप एक ग्रेट आदमी है, बेहतरीन आदमी है, 2.5 करोड़ ले लिया, 5 करोड़ छोड़ दिया कि जो मेरे लोगों को मेरे स्टाफ को मिलेगा वही लूंगा और नहीं लूंगा। तमाम खिलाड़ी को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमाउल हक ने भी 1 करोड़ दिया और खबरें यह चली कि उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, मैंने टीम इंडिया स्टार्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे उनको 10-10 लाख मिला था, उन्होंने कहा नहीं मैंने 1 करोड़ चाहिए। और ये इसलिए भी क्रिटिसाइज हुआ था कि इंजमाउल हक 12 लाख सैलरी ले रहे थे जबकि बाकी उनके जो सिलेक्टर थे वो महज 3 लाख सैलरी ले रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, राहुल द्रविड़ को जो है 5 करोड़ रुपए दिया जा रहा था लेकिन उन्होंने बोला कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स को 2.5 करोड़ रुपए मिला है उतना ही मुझे चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए और जो 2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है वो हमारे स्टाफ मेंबर्स को बांट दीजिए। दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुके हैं। चलिए दोस्तों हम पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूं, उसको तकसीम करें सबने बराबर। देखिए जी, आई थिंक इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल पर्सनैलिटी जो एक टीम वर्क जो है ना उसको प्रेफर करते हैं हर चीज के ऊपर, एंड इज अ रियल टीम मैन। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आई गेस के यू नो इट शोज के हाउ मच वेल निट ही इज विद द पीपल दैट ही वर्क्स विद। और क्यों ना आइंदा भी ये लोग उनको याद करेंगे, क्यों ना आइंदा भी ये लोग उनके साथ काम करना चाहेंगे। दिस इज हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राहुल द्रविड़। और आई थिंक के ऐसी बड़ी कम मिसालें हैं दुनिया में, बड़ी कम। मैं आपको बताऊं कि यहां पर कोई इस तरह का डिसीजन करे हमारे यहाँ हमने कभी सुना नहीं और मेरा ख्याल है ऐसे सुनना भी नहीं। एक हाई जो है ना बेंचमार्क है ये, हाउ टू बी अ टीम मैन, हाउ टू लुक आफ्टर द पीपल हु आर अराउंड यू, हाउ टू मेक देम फील एज इक्वल। और यकीनन वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट थी तभी वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। बीसीसीआई ने जो 125 करोड़ टीम इंडिया के लिए इनाम के तौर पर अनाउंस किए थे उसमें से तमाम खिलाड़ी को राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ मिले थे जबकि दीगर जो कोचिंग स्टाफ था उसको 2.5 करोड़ मिले थे। मगर राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ लेने से इनकार किया, उन्होंने बोला कि मेरे जितने साथी बाकी जितने साथी पैसे लेंगे मैं भी उतने लूंगा, यानी मैं भी 2.5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ नहीं लूंगा, यानी 2.5 करोड़ को ठुकरा दिया उन्होंने। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था, उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है, आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा ना खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसको बोलते हैं लीडर। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस तक नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमाउल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैंने टीम इंडिया स्टार्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें।
तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे उनको 10-10 लाख मिला था, उन्होंने कहा नहीं मैंने 1 करोड़ चाहिए। और ये इसलिए भी क्रिटिसाइज हुआ था कि इंजमाम उल हक 12 लाख सैलरी ले रहे थे जबकि बाकी उनके जो सेलेक्टर थे वो महज 3 लाख सैलरी ले रहे थे। तो कितना बड़ा कद होता, वो खुद कहते नहीं कि मेरे सेलेक्टर को 10 लाख मिला मैं भी 10 लाख लेना है, मैं इससे ज्यादा नहीं लेना। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए होता है, इसके लिए आप अपना रूल सेट करते हैं, उसके लिए आप अपना कैरेक्टर बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये किया तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है मैं बाकी को भी इतना देता हूँ आप प्लीज ये रखिए। इससे पहले 2018 में इन्होंने ऐसा किया तो बीसीसीआई ने कहा कि इनके सेंटीमेंट्स की हम रिस्पेक्ट देते हैं तो इट्स ओके जितना वो लेना चाहें। ये नहीं है कि उनकी इस ट्रिप के बाद उनको सबको पैसे मिल जाएंगे और वो हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो नहीं ले रहे तो वो नहीं ले रहे हैं। देखिए मैं सैल्यूट करता हूँ राहुल द्रविड़ को, उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़ का नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा, ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है, ये होती है बात। बहुत ही कमाल का इंसान है, अंडर 19 मुझे आज भी याद है, इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने कहा जो मेरे बाकियों का मिलेगा वही मैं लूंगा, शाबाश, आप एक ग्रेट आदमी है, बेहतरीन आदमी है। 2.5 करोड़ ले लिया, 5 करोड़ छोड़ दिया कि जो मेरे लोगों को मेरे स्टाफ को मिलेगा वही लूंगा और नहीं लूंगा। तो राहुल द्रविड़ साहब आप जैसे इंसान दुनिया में कम है, लोग पैसों के लिए 5 रुपए के लिए बंदा मार देते हैं, आपने 5 करोड़ छोड़ दिया, सलाम है हमारा, वेल डन, आपने वर्ल्ड कप आप डिजर्व करते थे, मैंने देखा आपका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है, आप नीचे उतरे हैं, सारों ने क्यू बनाई है, आपके दोस्त हैं कोचेज हैं और बड़ा अच्छा आपका इस्तकबाल किया, बच्चे शच्चे भी है, बैट यूं लगाए हुए हैं दोनों साइडों पे, बीच में से ड्रविड़ साहब गुजर रहे, वेल डन। राहुल द्रविड़ ने एक बहुत बड़ा गेस्चर पेश किया, एक बहुत ही बड़े दिल का मुजाहरा किया जी राहुल द्रविड़ ने, स्ट्रेट फॉरवर्ड राहुल द्रविड़ ने पैसे छोड़ दिए, यानी कि पैसे कैसे राहुल द्रविड़ ने छोड़ दिए, राहुल द्रविड़ को मिलने से 5 करोड़ रुपए जो पूल बना था, आपको पता है कि एक बड़ी इनामी रकम है, 125 करोड़ रुपए जो है आप कहने के डिवाइड होने इंडियन रुपीस, जो कि इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है उन सारों में, तो इसके अंदर राहुल द्रविड़ के हक में 5 करोड़ रुपए आते थे, दीगर असिस्टेंट कोचों को जो आप कह लें कि 2.5 करोड़ रुपीज जो दिए जा रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए, तो इस पर राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड ले लिया। बात कर ले राहुल द्रविड़ की तो आज वो छा गए हैं, आज उन्होंने साबित किया कि वो कितने बड़े इंसान है, अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो वो कहते कि 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ा दो, किसी और की भी मुझे दे दो, मतलब 7 करोड़ में मुझे दे दो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हुए पैसे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर, पैसे किसको आते बुरे लगते हैं, मुझे तो लगता है कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि दीगर जो असिस्टेंट कोच है क्योंकि उनको इस पूल के अंदर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मुझे भी 2.5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि भाई क्या बनता है इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 8 करोड़ बनते हैं। ये नहीं, चलो लोग कहते हैं ना कि लोगों के असूल भी ऐसे होते हैं, ज्यादातर हमने देखा है यहाँ पे असूल ऐसे होते हैं कि थोड़े पैसे हैं तो उनका असूल है इंप्लीमेंट, भाई 1 लाख रुपए मिल रहा है 50,000 मिल रहा है तो कहेंगे भाई बड़ा असूल है हमारा, ये हमारा स्टैंड से हम नहीं होंगे, अगर करोड़ों की बात हो कहते हैं भाई ठीक है जी करोड़ आ रहे हैं तो आने दो। हमारी तो टीम में सबसे पहले ऐसे है कि वो इस बात के ऊपर एक लड़ाई होगी टीम के अंदर की टीम मौजूद थी उधर क्या कहते हैं अमेरिका में, तो एक मीटअप पे जाना था उन्होंने खिलाड़ियों में जिसमें बाबर आजम शामिल थे, शहनशाह अफरीदी शामिल थे, शादाब शामिल थे और कुछ दीगर खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन बाबर आजम को मुआवजा ज्यादा मिल रहा था एज कम्पेयर बाकी खिलाड़ियों के, तो सबने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा। ये ऐलान किया था कि हर खिलाड़ी को इंक्लूडिंग कप्तान रोहित शर्मा जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको 5 करोड़ मिलेगा और राहुल द्रविड़ जो हेड कोच है उसको भी 5 करोड़ मिलेगा क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है हर लिहाज से, उनकी बड़ी हाइप थी तो उनको भी 5 करोड़ मिलेगा, और जो बाकी कोचेस हैं जिसमें असिस्टेंट कोच है फील्डिंग कोच विक्रम बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ है फील्डिंग कोच दिलीप थे बॉलिंग कोच प्रास थे इन सबको जो है वो 2.5 करोड़ मिलेगा, तो मैंने कहा नहीं अगर मेरी बाकी साथियों को 2.5 करोड़ मिल रहा है तो ये मैं भी 2.5 करोड़ ही लूंगा। आपके लोग एग्जाम्पल्स मिले राहुल द्रविड़ जैसी एग्जाम्पल्स कि यार वो उसको तो और वो करियर उस हिस्से में मौजूद है जहां पर आगे चल के इंसान को पैसे की रियल और जॉब भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोचिंग भी चली गई, मुताबिक उन्होंने कह दिया था कि यार मेरी जॉब जो चली गई जारी बात उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, नहीं है तो हकीकत ना हकीकत है उम्र के हिस्से में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको बड़े एक्सपेंसेस अपने संभालने होते हैं क्योंकि आगे आपने काम नहीं करना होता, आपने ज्यादा रेस्ट ही करना होता है, आगे आपकी बड़ी चीजें होती है जिसको आपने कवर करना होता है, और इस मौके के ऊपर 2.5 करोड़ को रिफ्यूज कर देना एक बहुत बड़ी गेस्ट है, और 2.5 करोड़ फ्री में उनको रिवॉर्ड मिला था, 5 करोड़ जो दिया जाता है वो रिवॉर्ड था उनकी जीत की खुशी में, कोई ऐसा नहीं था कि वो ऐसी बात थी, उनको इनाम मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे विक्रम है या दिलीप है या बाकी जो मेरे साथ कोचिंग स्टाफ है उनको 2.5 मिला तो मैं भी 2.5 लूंगा, ये एक गेस्चर है। और दूसरी तरफ जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लीगों के लिए उन्होंने पाकिस्तान को आप कह लो जो प्रायोरिटी नहीं दी इंक्लूडिंग कप्तान, ये नहीं कि बाकी प्लेयर आपको 2-4 प्लेयर नहीं, कप्तान ने भी यही किया।